कि हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर 10 आपकी बुक का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट के होने या ना होने, दोनों की जो इवेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमने बात करी कि एक बच्चा है जो 10th में, या तो पास होगा या फेल होगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज चलती है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन, नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल टू ई, ई मतलब कौन है यहाँ पे, जो भी इवेंट होगी, और नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे कि एक अपने सिक्का फेंका, सिक्का आप समझ लो ना हेड, जिसके अंदर क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, हेड आने की सिचुएशन और टेल आने की कंडीशन। लेकिन हमारे पास फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, हमने माना कि लाइक दिस एक क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच के अंदर मैंने चूज किया हेड, तो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, हेड होगी। और यदि तुमने चूज किया टेल तो तुम्हारे लिए टेल होगी। लेकिन आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी, है ना। शोले पिक्चर में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन और कौन रहता है, धर्मेंद्र रहता है। अब जब ये दोनों क्या करते हैं, इसमें अमिताभ बच्चन दोनों की गहरी दोस्ती होती है। गहरी दोस्ती होने के साथ साथ जब भी अमिताभ बच्चन को कोई इश्यूज होता था तो है हमेशा अपना क्या करता, सिक्का निकाल के बताता था कि देखिए देख ये जो आएगा उसके ऊपर देखा जाएगा। तो हमेशा उसके उस पर हेड या टेल में कोई फिक्स रहता था, वो आता था। उसका रीजन क्या था कि उसने क्या कर रखा था, अपना जो सिक्का था उस सिक्के से दो सिक्के एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए थे और दोनों के ऊपर टेल टेल था। और ऑलवेज जब कहता था क्या आता था, टेल ही आया करता था, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास हेड और टेल की कंडीशन हम देखेंगे कि हेड और टेल आने की सिचुएशन क्या होती थी। अब जैसे कि किसी भी सिक्के को अपन फेंकेंगे तो हेड टेल आएगा, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी, टू होगी, टू। और टोटल कंडीशन तो ये हो गई, आपने चूज किया किसको, हेड को, तो आपके लिए कंडीशन क्या हो गई, हेड। तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, तो 1/2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 15 एक्सरसाइज की, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एक बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ये सारी चीजें अपन लोग देखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th से, कहां से करेंगे, 5th से। अब 5th क्वेश्चन से चालू करने से पहले आपको यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी किसी भी इवेंट के होने और ना होने दोनों का जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ये इसको कहते हैं जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज नॉट इवेंट, है ना। मतलब ये इवेंट है और ये नॉट इवेंट है, ये किसी के होने और ना होने दोनों का सम कितना होगा, 1। अब बाय द वे आपसे बोल जाए कि बताइए कि फेवरेबल कंडीशन आपने को निकालना, कितना निकालेंगे, 1 - P0, इसको क्या बोलेंगे, पीई नॉट बोलते हैं। अब इन केस में आपसे बोल जाए पीई नॉट निकालिए, तो पीई नॉट कैसे निकालेंगे, 1 - P, ठीक है। किसी इवेंट के होने और ना होने दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। जो निकालना उसको अपन सेपरेशन में ले जाएंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, एक बार देखिए हम बात कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज, 15.1 और 15.1 के आगे के क्वेश्चन जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 से बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, है 15.1 क्वेश्चन नंबर 5th, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दे रखा है, देखिए तो आपको 5th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है। तो आपको ये बताना है कि पी ए नॉट क्या होगा, आपकी बुक के अंदर इसको पी नॉट ए की जगह उसने क्या लिखा है, वर्ड में लिखा पी नॉट, है ना, नॉट ई लाना उसके अंदर आपको। तो नॉट ई लाने के लिए यू नो वेरी वेल क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट पी प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो पी की जगह लिखेंगे 0.05 प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1। So, P naught is equal to 1 - 0.05। अब इसको माइनस कैसे करें, तो इसको माइनस करने का तरीका आप लोगों ने छोटी क्लास में लिखा देखा होगा, 1 आपके ऊपर के बाद 0.00 और यहाँ पे हो जाएगा 0.05, 5 में से होगा तो 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। और आई थिंक आप इसे समझ सकते हैं कि 100 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 95 बचेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 0.95, इट इज आंसर ऑफ P naught। ओके,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दे रखा है आपकी बुक में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है, आपने सिक्स पढ़ा, उसमें क्या दे रखा है, एक बैग है जिसके अंदर क्या करा है कि लेमन फ्लेवर की कुछ कैंडीज है, कौन से कलर की है, लेमन, बाकी किसी तरह की कैंडी नहीं है। अब मिली नहीं करके जो है वो क्या करती है, उसमें से एक कैंडी निकाल रही है और उसमें देख भी नहीं रही है, बिना देखे क्या कर रही है, वो एक कैंडी उसमें से निकाल रही है। अब जब वो बैग में से एक कैंडी निकाल रही है तो आपको बताना है कि ऑरेंज कलर के फ्लेवर की कैंडी होगी क्या, उसमें कैंडी कितनी है, एक, कौन से कलर की है, लेमन कलर की है। आपसे क्या बोल रहा सामने वाला कि ऑरेंज कलर की होना चाहिए, तो ऑरेंज कलर की जब उसके पास है ही नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितना आ जाएगा। अब दूसरा भी क्वेश्चन पूछा उसने कि वो जो है लेमन कलर की हो सकती है, तो लेमन कलर की कितनी है, उसके अंदर एक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, इसके अंदर दे रखा कि ग्रुप है, ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का, तीन स्टूडेंट का एक ग्रुप है, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, है ना, जो प्रोबेबिलिटी है दो स्टूडेंट के बर्थडे के क्या नहीं होने की, सेम डे का बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है उसमें, 0.992। सो आपके माइंड में क्या लगेगा, ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो क्या लिखेंगे इसको, पीई नॉट, ये कितना हो गया, 0.992, है ना, दो स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होने की कंडीशन, बर्थडे सेम डेट में नहीं होने की कंडीशन कितनी हो जाएगी, 0.992। इसको कभी भी 0.992 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0.992 बोलते हैं। अब आपको ये बताना है कि जब दोनों बच्चे हैं उनका बर्थडे सेम डेट का नहीं होगा, पर वो ये चाह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का बर्थडे क्या होना चाहिए, सेम डेट का आना चाहिए, मतलब आपके माइंड में क्या चलेगा, क्या निकालना है आपको, पी ई निकालना है, ओके, जब पी निकालना है यू नो क्या जानते हैं आप लोग, पी नॉट, पी प्लस पी नॉट इज इक्वल टू वन होता है। अब बताइए पी तो आपका ऐसे ही रहेगा, ओके, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0.992 इज इक्वल टू वन, सो PE इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। अब माइनस करने का तरीका अभी अपन ने देखा था, क्या लिखेंगे, 1.000 और 0.992, लाइक 1000 माइनस 992, सो आंसर इज 0.008 आई थिंक, है ना, तो आपका आंसर आ गया PE इज इक्वल टू 0.008। इट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट, देखिए क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर एट है आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर एट में क्या दे रखा है कि एक बैग जो क्या है कि अलग अलग कलर की बॉल्स का कंटेन करता है, तो देखिए उस बैग के अंदर रेड कलर की बॉल्स हैं, कितने, कौन से कलर की, रेड कलर की कितनी बॉल है, टू बॉल है ना, आई थिंक टू है, थ्री है क्या, ओके, रेड कलर की आपके पास थ्री बॉल हो गई। आगे देखिए आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और जो है ब्लैक कलर की भी बॉल्स है, ब्लैक कलर की आपके पास फाइव बॉल्स हो गई, हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रोन एट अ रेंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल्स ड्रोन दिस डे, दो तरह की चीजें से पूछिए, ये बैग है जिसके अंदर टोटल, अब बताइए इससे आपको क्या लिखा, टोटल कितनी हो गई, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू हो गई एट, एट बॉल हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, उस झोले के अंदर, उस बैग के अंदर से रेंडमली एक बॉल निकालनी है, और वो बॉल क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये क्या कह रहा है, मतलब ये टोटल कंडीशन है ना, सो इट इज कॉल्ड एन एस, है ना, क्या बोलेंगे इसको, एन एस बोलेंगे। अब बताइए पहला केस, पहला केस में एन ही कौन होगा, नंबर ऑफ द फेवरेबल, दैट इज कॉल्ड रेड बॉल, कौन सी कलर की, रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है, तीन है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एनी अपॉन एन एस,
दैट इज कॉल्ड 3 अपॉन एल। ओके बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास एक और चीज दे रही क्वेश्चन में, क्या है? नॉट रेड, ठीक है? क्या बोला उसने? नॉट रेड इज इक्वल टू पीई नॉट। ओके पी नॉट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो आपकी ब्लैक बॉल है वो आ जाएगी उसके अंदर। तो हम क्या लिख देंगे इसको? 1-3/8। क्यों आएगा 1-3/8? उसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या है उसका? 1-PE, सो 1-3/8 एलसीएम ऑफ द नंबर 8-3/8 इज इक्वल टू 5/8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होगा। देखिए थर्ड, इसके क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 8 जैसा। उसमें क्या दे रखा है कि मार्बल्स है, मार्बल समझते हो? पत्थर होता है कि ना, पत्थर होता है ना, स्टोन वगैरह जो रहता है ना, पर नीचे लगाते हैं चौके बोलते हैं इसको अपन, टाइल्स के अंदर। ये छोटे छोटे मार्बल की बात कर रहा है। हाँ चलो ठीक। आप देखिए एक बैग है जिसके अंदर जो है 5 रेड कलर के मार्बल। रेड कलर के मार्बल कितने हैं? 5 है। आगे चले, व्हाइट कलर के मार्बल कितने हैं? 8 मार्बल है, ये भी मान लिया। आगे अच्छा, इसमें ग्रीन भी है, ग्रीन कलर के कितने हैं? 4। ग्रीन कलर के 4 हो गए। बस बताइए टोटल मार्बल कितने हो गए? 17। लिख दूं 17 डायरेक्टली? 5। चलो मैं डायरेक्टली 17 लिख देता हूं, क्योंकि 4+8+5 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने 17। अब देखिए पहली कंडीशन, आगे क्या देखा क्वेश्चन में, इसमें से आपको 1 मार्बल जो है निकालना है इस बॉक्स के अंदर से, ठीक, वो भी रेंडमली। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि निकलने वाला मार्बल, पहला केस इट इज कॉल्ड एनएस। पहली कंडीशन, निकलने वाला मार्बल कैसा होना चाहिए? रेड मार्बल। तो रेड मार्बल कितने हैं? 5। इट इज कॉल्ड एनई। ओके सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? Ne अपॉन एन एस। तो आंसर हो गया 5/17। ओके सेकंड केस क्या कह रहा है? मार्बल जो निकाल रहे हैं वो कैसे कलर का होना चाहिए? व्हाइट। तो बताइए व्हाइट कलर के मार्बल कितने हैं? 8। व्हाइट हो गए 8। इट इज कॉल्ड Ne। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? Ne अपॉन एन एस, तो ये जाएगा आपका 8/17। लास्ट एक और बच गया आपके पास, नॉट ए ग्रीन। क्या बोला उसने? जो थर्ड वाला है उसमें बोल दिया नॉट अ ग्रीन मार्बल। तो हमारे पास ग्रीन मार्बल कौन नहीं है, कौन कौन से है? तो फिर इसको लिख दो 5+8 13। ये ग्रीन नहीं, ग्रीन कितने हैं अपने पास? इसका एक और तरीका होता है, ग्रीन निकाल के 1 में से माइनस कर दो। ये हम लोग ये सिर्फ कर सकते हैं, ग्रीन को छोड़ के अपन ने लिख दिया, आपको पता ही इट इज कॉल्ड एनी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एनी अपॉन एनएस। तो आंसर हो गया आपका 13/17। इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते। तरीका वो भी हो सकता है, नॉट ए ग्रीन मतलब 1-P, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं अगले के ऊपर जिसके अंदर एक पिगी बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक अधिकतर सबके घरों में होगी होगी ना, कोई पिगी बैंक कहाँ रखता है? या तो बना के रखता है, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने बैग में छुपा के रखता है, कोई तकिए के नीचे छुपा के रखता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिगी बैंक, है ना? और जब जरूरत पड़ती है जब पिगी बैंक निकलती है। अब यहाँ पर जो पिगी बैंक है उसके अंदर कुछ पैसे हैं, 1 रुपए के कॉइन भी हैं। ओके 1 रुपीज कॉइन कितने हैं? 50 हैं। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 20 हैं।
और 5 रुपए के कॉइन कितने दे रखे हैं, 10 है। और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ इट इक्वल लाइकली डेट द वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन विल नॉट बी द 5 रुपीज कॉइन। अब अपने को क्या है कि उसमें से एक कॉइन क्या करना है, निकालना है। एक मिनट देखिए, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने दे रखे हैं बताइए, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन कितने, 1 रुपीज कॉइन कितने दे रखे हैं, 50। और नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन है 20। बताइए नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन, तो बताइए टोटल कितने हो गए, 180 की 80 होगा। देखो एक बार, आई थिंक 5, 6, 7, 8 80 होगा। देखिए देखिए 100 किसका रह गया, कुछ बच गया क्या इसमें? अरे भाई इसमें एक कॉइन और बच गया ना, देखो गिनो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 100। ओके तो टोटल हो गए 180। अब अपने को निकालना है पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दे रखा है, कौन से का कॉइन दे पूछे उसने, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू एनी वो कितने हैं 100। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी एनी अपॉन एनएस कितना हो जाएगा 180, 0 से 0 5 अपॉन 9 नॉट ए 4। ओके अब क्या निकालना आपको, 5 रुपए की कॉइन पर नहीं होने चाहिए, क्या बोला उसने, 5 रुपीज कॉइन इज नॉट ए 5 रुपीज कॉइन। तो अब देखो सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, तो पहले उसको निकालने के लिए क्या उल्टा चलना पड़ेगा, पहले 5 रुपीज कॉइन निकालेंगे फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, 5 रुपीज कॉइन एनी ले लो इसको वो कितने हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, एनी अपॉन एन एस 10 अपॉन 180 डेट इज कॉल्ड 1 अपॉन 80 है ना। आप क्या निकालेंगे, नॉट अ 5 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा एनी, क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस पी। ओके क्या लिखेंगे 1 माइनस पी, तो 1 कितना है 1 माइनस 1 अपॉन 18 और ये हो गया 18 माइनस 1 अपॉन 18 दैट इज कॉल्ड 17 अपॉन 18। तो इस तरह से आपका 17 अपॉन 18 ये कौन से का आया जिसके अंदर पिगी बैंक के अंदर निकलने वाला क्वाइन 5 रुपये का नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गोपी क्या करता है, कुछ मछली मछली की दुकान से खरीदता है ना, तो वो क्या करता है कि 1 मछली कहीं उसमें से निकालता है क्या है, पढ़िए एक बार, तो वो जो ट्रेंक है उसके पास जिसमें से उसको मछलियां निकालना है उसके अंदर 5 मेल पीस है ना, पीस कौन सी मेल, वो कितनी है 5 और फीमेल कितनी है, और फीमेल आपकी हो गई 8, टोटल कितनी हो गई 15, डायरेक्टली लिख दूं मैं 13 होगी, तो फिर 15 किसने बोला, चलो ठीक हो गई 13। अब आपको क्या करना है कि उसमें से जो फीस निकाल रहे हैं अब उसको कौन सी, वो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकलने वाली मछली होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, मेल फीस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मेल फी इसको बोलेंगे एनी, वो कितनी है 5, तो बताइए
प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? मेल फीस ये हो जाएगी आपकी एनी अपॉन एनी 5/30। इस तरह से आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। ओके अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक गेम है, आपने गेम बच्चों के उसमें भी देखा होगा और अधिकतर अपन देखें तो किसी भी मॉल वॉल में जाते हैं वहाँ भी रहता है। एक बॉल डालते हैं जिसके अंदर गोल गोल बॉल घूमती है, जिसके ऊपर जहाँ पर बॉल रुक जाती है वहाँ पर उसका विन वाली कंडीशन हो जाती है। बोलता है कि 8, तो अपना बोलेंगे यदि अपना 8 आ जाता तो अपने को अपन विन हो जाते हैं। देखिए एक गेम दे रखा है आपके पास, आपने देख ही लिया गेम के अंदर जो है नंबरिंग दे रखी है। नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बताइए एनएस कितना हो गया? 8। अब आपके पास आगे क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 0.8। वो कब? वो पॉइंट बताना है पहला केस जब क्या है 8 आए। कितना है? 8। तो एनएस एनी कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 8 आएगा तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? एनई अपॉन एन एस 8/8। सही होगा कि 8/8? आई थिंक गलत है। 8 कितनी 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 कितनी बार आएगा? 1 टाइम। जब उसने नंबर कितने दे रखे? 8 नंबर दे रखी, तो 8 कितनी टाइम आएगा? 1 टाइम आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। ओके आ गया। सेकंड केस दे रखा है ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7। ओके लिख दू क्या क्या लिख दू? 1, 3, 5, 7। तो बताइए एनी हो गया आपका ओल्ड नंबर 1, 3, 5। क्या 7 भी लिखू? 7 भी लिखू? हाँ 7 तो लिखना तो चाहिए अब तक। ठीक है 7 क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि हमारे पास नंबर कहाँ तक है? 8 तक है। सो इट इज 4। ये हो गया एनी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? एनी अपॉन एन एस आ गया 4/8 = 1/2। इसके बाद केस नंबर 3 ग्रेटर देन 2 है ना। थर्ड कंडीशन क्या दे दी उसने? ग्रेटर देन टू कौन सी होगी बताइए? 2 से बड़ी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये होगी टोटल 5 ही दिख रही मुझे तो। अच्छा 5 लिखना हम भूल गए। ओके तो टोटल हो गई 6। हो गई 6। अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। सो आंसर हो गया 6/8 आल्सो कॉल्ड 3/4। व्हाई? बिकॉज इट इज डिनोटेड बाय सेम फैक्टर्स 2 and 2। 2, 3 = 6 and 2, 4 = 8। आगे चले हम तो हमारे पास है एक और less than 9। किसे? less than 9। अब less than 9 की अभी हम बात करें तो बताइए अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ओके less than 9। तो less than 9 में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? देखिए कौन सी कंडीशन? 4th less than 9। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कितना हो गया? 9 से छोटी संख्या है। कौन कौन सी 9 से छोटी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके टोटल होगी 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? एनी अपॉन एन एस 1/8। इस तरह कैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। 8/8। अच्छा 8/8 आना चाहिए। वेरी गुड सही आपकी बात। टोटल 8/8 आना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया 1/1। अगला देखेंगे डाइस वाला।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक डाइस डाई 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 है ना, डाई समझते हम, डाई कहाँ कब से चला आ रहा है, मामा सगुनी के टाइम से चल रहा है, उस समय भी वो पासा खेलते थे, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई है ना, अंग्रेजी में डाइस बोलते हैं और हिंदी में पासा बोलते हैं। अब कोई भी डाइस जो होता है उसके ऊपर कितने नंबर होते हैं, सिक्स होते हैं, तो हमारे पास जो डाई है ओके उसके ऊपर नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 ओके, छह नंबर हो गए, इसको क्या बोलेंगे, ई हाँ सॉरी एनएस, ये तो हो गया आपका एनएस। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला केस प्राइम नंबर, फर्स्ट केस बोल दिया प्राइम नंबर, तो इसको एनी बोलेंगे, बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, When any number is divisible by 1 and itself, that is called prime number. हो जाएगा 1, 2, 3, 5. Total हो गए? 4 number हो गए आपके. Okay. क्या सही लिखा अपन ने? पर prime number की definition क्या कहलाती है? When any number is divisible by 1 and itself, 1 से divide होना चाहिए और खुद से की टेबल में भी आना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर 1 के साथ लगता है, तो हमारे पास prime number कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगी, ओके दैट क्लियर। अब बताइए आपको जो ये तो एनी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एनी अपॉन एन एस, ये हो गया 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। अगला नंबर लाइंग बिटवीन 2 से 6, 2 से लेके है ना, कहां से कहां तक, 2 से लेके 6 तक के बीच में लाई करने वाले नंबर की बात करिए अपन, तो 2 से लेके 6 तक के अंदर जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3, 4, 5 कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बेटा, एन ई अपॉन एन एस 3/6 इज इक्वल टू 1/2 हो गए। अगला बताना है आपको ऑड नंबर, व्हेन एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बाय किससे, ऑड नंबर कौन से होते हैं, नॉट डिवाइड बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सब नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर, क्या कहते हैं उनको, आप बताइए क्या ऑड नंबर के अंदर वन आएगा, है ना, ओड नंबर के अंदर 1 तो आना चाहिए, क्योंकि वो किसे डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपका थर्ड कंडीशन ओड नंबर, ओड नंबर हो गए 1, 3, 5, 7 लिख दूं, लिख दूं क्यों नहीं लिखूं, क्योंकि डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 ही होते हैं, तो 7 तो आ ही नहीं सकता है, तो यहां पर हो जाएंगे 3, इट इज कॉल्ड एन ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन एन एस, तो आंसर हो गया 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ऑल आंसर इज 1/2 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ठीक है, वो क्या है कि ताश के पत्तों के ऊपर डिपेंड है ना, ताश मतलब जो होती है कार्ड बोलते हैं अपन इन लोगों को, तो ये कार्ड कैसे कैसे होते हैं पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। कार्ड जो होते हैं, एक तो ये होता है, इट इज कॉल्ड डायमंड, क्या बोलते हैं इसको, डायमंड, हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं, है ना, एक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, चीड़ी, इसको बोलते हैं चीड़ी, और ये क्या बोलते हैं इसको, याद करो इसको आता है, एक स्पेड होता है इसके अंदर, और एक ही होता है किसा, ऐसा है ना, ये ज्यादातर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और एक होता है इसको ब्लैक, इसके भी 4-4 मतलब इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13, ठीक है। अब इसके जो कलर होते हैं, ये रेड कलर का होता है, ये भी रेड, ये रेड, ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक, ठीक है। इसके अंदर कुछ फेस कार्ड होते हैं, एक होता है किंग, एक किंग,
ये क्या होते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके मुंह नाक दिखते हैं। क्या बोलते हैं? इसके मुंह नाक दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब इसके अंदर चेहरा। तो ये किंग वाले में, क्वीन वाले में, जेकॉर्ड वाले में क्या होते हैं कि उसके मुंह दिखते हैं। तो ये क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? चार 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 इंटू 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक होता है इसके अंदर किंग। किंग को आपको समझना है, क्वीन भी आ गई, ये भी समझना है। ठीक है, हर एक के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो ये तीन तो है, एक इक्का जिसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, और बाकी कौन कौन से नंबर? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से इसके 13 पत्ते होते हैं। अब मतलब ये बेसिक नॉलेज है, ज्यादा इसकी अपने जहां रिक्वायर्ड थी अपने पर देखेंगे इसे इसमें। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है स्पेड। स्पेड का मतलब होता है ब्लैक कलर का जो रहता है ना, इसको बोलेंगे स्पेड। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सेपल, एक अच्छे से फेंटी गई पत्तियों में से आपको एक पत्ता निकालना है। ठीक है, अब वो पत्ता, वो ऑब्वियसली बात है टोटल मिला के पत्ते कितने होते हैं? 52। अभी भी इसमें उसको जोकर को नहीं गिना जाता है, है ना? तो जोकर को गिन लो तो 53 आ जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब पहला केस, तो आपको ये दिखा रहा 14 क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 52 हो गई। हो गई 52, मतलब एनएस कितना हो गया? 52। केस नंबर फर्स्ट, अ किंग ऑफ रेड, लाल कलर का रेड जो किंग है वो कितने होंगे उसके अंदर? दो होंगे पक्का। तो एनी कितना हो गया बेटा? दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? एनी अपॉन एनएस 2/52, मतलब हो गया 1/13, 26। नेक्स्ट आ गया फेस कार्ड। यू नो क्या बात करी अपन ने? फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 × 3 कितने होते हैं? 12। इसको क्या बोलेंगे? एनी कितना हो जाएगा बताओ? और फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जेकर। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? एनी अपॉन एन एस 12/52। काट सकते हैं क्या? कितना आ जाएगा? 3/13 सही है आपका। चलिए अब आता है अगला, थर्ड कंडीशन। थर्ड में फेस कार्ड तो चाहिए लेकिन कैसा चाहिए? रेड कलर का। तो रेड कलर के फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? 3+3 कितने होंगे? 6। ये क्या हो जाएंगे? किंग, क्वीन और जेकर, लेकिन कौन से? रेड कलर के। रेड कलर के दो दो होंगे। अब ये हो गया एनएस एनी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? एनी अपॉन एनएस 6/52 क्या होगा? 3/26। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है अगले में। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, स्पेड। स्पेड मतलब काले पान के पत्ते। कितने होते हैं टोटल? 13। एक के एक कलर के कितने पत्ते होते हैं? अच्छा, जेकॉब हार्ट भी है। चलो अपन फिफ्थ कर लेते हैं, फिरो कर लेते हैं। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? एनी अपॉन एन एस 13/52 1/4। अच्छा आप बताइए फोर, जेकॉब हार्ट दिल वाला जैक है ना, जेकॉब हार्ट कितना है? जेकॉब हार्ट एक ही होता है, इसको बोलेंगे एनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी?
अपॉन एन एस, 1/52। चलिए और कौन बचा लास्ट? रानी चाहिए डायमंड की, है ना? नाइक रानी कितनी होती है डायमंड में? एक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एनी अपॉन एन एस, इट्स ऑल्सो 1/52। ओके।